But he is not here. Just amazing. गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और कल की मैराथन के बाद आप लोग सभी फ्रेश होंगे, तो आज के दिन के लिए रेडी होंगे। और ये सारा का सारा जो सेटअप है सारा माउंटेन गोट की ओर से है, तो अगर किसी की भी कोई भी इंक्वायरीज हो तो माउंटेन गोट के नीचे जो हैंडल्स चल रहे हैं वहाँ पर उनको मैसेज कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर स्पॉन्सरिंग दिस ट्रिप। तो अभी आज का जो प्लान है वो क्या है कि हम लोग जहाँ मनाली हैं, मनाली से निकलेंगे किलोंग की साइड अटल टनल होके, ऐसे टनल का ब्लॉग मैंने बना दिया है पहले ही, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे स्नो मिलेगी, काफ़ी स्नो ड्राइव्स होंगी, काफ़ी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। बट उससे पहले भी करेंगे ब्रेकफास्ट। टाइम हो चुका है, 8 बज चुके हैं, 8:30 यहाँ से लीविंग है, निकलना है। तो इसलिए बाकी अगर किसी ने पहले ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो वो देख लेना। हम शिमला से चल के कल्पा गए थे, कल्पा से चितपुल गए थे, अभी फिर कल्पा से मनाली आए बीच में से रस्ते में, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो मिलते हैं अभी ब्रेकफास्ट के बाद। भाई यार देखो, दिल्ली वालों का हाल बहुत अच्छा है, कल वाला ब्लॉग देख रहे हैं, इनका हाल क्या था? क्यों, कल क्या था? कल जो पाउडर लगा, मेकअप हुआ रस्ते में, अरे वो तो नेचुरल ब्यूटी है भाई। सूर्य भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत फ्रेश हो गए, फ्रेश हो गए। कल काफी एक्टिव था, कल बहुत एक्टिव था, एक्चुअली रियल मैराथन कल ही था, कल का स्टेज वो डिजाइन ही इसलिए था कि सबका एंड्योरेंस चेक हो। ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਲੱਤ ਕੀ ਥਕਾਵਟ? ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਫਰੈਸ਼ ਉੱਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਲਾਈਕ ਮਨਾਲੀ ਹੈ, जो कि माल रोड भी यहाँ पे आपको अंदर मिलेगा, और ये बाईपास था रात में जहाँ से हम लोग आए थे इधर को, तो पुल क्रॉस करके हम ले वाले हाईवे पे आ गए। तो ये सारा अभी इन्होंने नया डेवलप कर दिया, तो इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वैसे मैंने अपने ब्लॉग्स में दी हुई है, जो मनाली वाले मेरे यहाँ प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पे कौन कौन सा कैफे है अच्छा खाने वाला और क्या कुछ मिलेगा। कुछ लोग हमारा साथ छोड़ गए थे तो, और अभी हमें मनाली में मिल रहे हैं, जब यहाँ डाल डाल के इनको साथ में आना चाहिए था। ये हमारे बड़े भाई है तरुण भाई, सर ब्रदर, बिग ब्रदर सर, कहाँ रह गए? कहाँ रह गए सर? रहा नहीं गया, टेंशन सारी दूर रहा नहीं गया भैया, तो इसलिए मैं रात को 12 बजे में सोच रहा था मैं क्या करूँ, तो अगर 12 बजे हम रात को चले, सुबह 5:30 बजे हम मनाली शिमला से सीधा मनाली। सर आप क्लियर करें, इनको मिंची को बोलते हैं? मेरे को मिंची क्यों बोलते हैं बताओ? नहीं, वैसे तो मेरे को पता है आपके वो आते हैं ड्रिंक्स। नहीं, बट मेरा नाम है मिनोचा। ओके, सूर्य उदय मिनोचा। तो फिर मिंची क्यों, शॉर्ट फॉर्म कर दिया? हाँ जी, शॉर्ट फॉर्म कर दिया। तो वही आपने ब्रांड रख दिया अपना? वो मैंने नहीं रखा, मेरे डैड को कॉलेज में उनके दोस्त बुलाया करते। अच्छा ठीक है, फिर उन्होंने ब्रांड कर दिया। ये इनका ब्रांड है भाई। ये पासिस किस लिए है? एक तो जी हमारी अभी टेक, हम एक्स्ट्रा अपनी कॉपीज, हर गाड़ी का नंबर, गाड़ी मॉडल, कौन कौन बैठा है सारा कैरी करते हैं साथ में फॉर द इन्फॉर्मेशन। देखिए आप लिखा है पूरा 42 गाड़ी इसका कॉन्वॉय है। अच्छा ये है परमिशन, इसमें पूरा प्रॉपर लिखा होता है कि भाई इस डेट से लेके इस डेट तक हमारी एक्सपेडिशन का जो कॉन्वॉय है ऐसे ऐसे इन जगहों पे जा सकता है। सो हमें कोई पुलिस की, कोई आर्मी की, ये सारी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती। ये हमारे को डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, लाहौल स्पीति की तरफ से हमारे को परमिशन है, हम क्रॉस कर सकते हैं, बट हमें 5 बजे से पहले वापस आना पड़ेगा क्योंकि ब्लैक आइस हो जाती है। आज ये कोशिश तो यही रहेगी कि 12 लाचला तक हिट करे, बट आई डोंट थिंक सो इट विल बी पॉसिबल क्योंकि बर्फ बहुत ज़्यादा है। बाकी देखिए अभी आपको थोड़ा अटल टनल दिखाते हैं। हम लोग अटल टनल के बिल्कुल बाहर खड़े हैं, तो इनके पास स्पेशल परमिशंस थी इसलिए यहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं अलाउड है। तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो फिर आगे व्यू दिखाएंगे किलोंग का, बहुत अच्छा व्यू आने वाला है। 12 राजा तक उम्मीद है कि जाएंगे, बर्फ नहीं है बोल रहे हैं।
just amazing. It is really, really amazing. भाई ये जो टनल है 9.4 किलोमीटर लॉन्ग है, तो ये सबसे बड़ी टनल है जो हाइट पे है. तो काफ़ी टाइम लगा बनने के लिए, ऑलमोस्ट 20 ईयर से प्लस लगे हैं. तो ये बिल्कुल ही आगे जाके निकलती है लॉन्ग में, तो यहाँ पे पूरा का पूरा बर्फ़ है और इसकी स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है जब जाना है, तो वैसे खुली रहती है. तो अभी हम लोग निकल आए हैं इस टनल से और काफ़ी अच्छी टनल बनी हुई है. इसके अंदर नेटवर्क होता है, BSNL आपके पास बिलिंग वाला है तो वो चलेगा सारे. और ये सारी की सारी आइस है और ये कल भी मैंने बताया था, लाइक जैसे ग्लास होता है वैसे होती है. इसका एक ही सोल्यूशन है. इसका सोल्यूशन क्या है कि आप वैसे तो फोर व्हील गाड़ी यहाँ पे ड्राइव करो, टू व्हील तो बिल्कुल ही नहीं करो. अगर फिर भी करनी पड़ रही है फर्स्ट गियर में, उसको नॉर्मल रेस में जाने दो, ब्रेक मत लगाना, बिल्कुल ही नहीं लगाना. कोई ब्रेक लगा तो स्किड करेगी. तो फोर व्हील में भी क्या रहता है कि आप नॉर्मली उसको जो उसकी एक्चुअली स्पीड है उसमें चलने दो. नो स्पीड ज़्यादा भी नहीं करनी है और कम भी नहीं करनी है. ब्रेक तो बिल्कुल ही नहीं लगानी है. जैसे ब्रेक लगा वो ज़्यादा स्किड करती है. अभी आपको एक व्यू दिखाता हूँ. पानी जो होता है ना वाटरफॉल का, वो जमा पड़ा है वैसे का वैसे ही. तो आप इसको फील करो, इस चीज़ को कितनी ज़बरदस्त है. यहाँ पे ये सारे के सारे पानी वैसे ही जम गए. क्यों जम गए? क्योंकि यहाँ पे माइनस टेम्परेचर रहता है, तो वैसे ही जमे हुए हैं. ये देख सकते हैं आप. और ये इतना अच्छा वाटरफॉल है, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप देख सकते हैं, _ करण के ऊपर मैंने यहाँ पे फोटोज खींची थी जब शिंकुला गया था. लाइक मैंने जांसकर वैली भी ट्रिप करता रहता हूँ, तो वहाँ पे गया था तब यहाँ की फोटो है. ये वाटरफॉल इतना जबरदस्त होता है कि बात ही नहीं करने वाली. भाई यहाँ पे मस्ट यूज योर ग्लासेस, तो इसलिए साथ में रखा करो. और ये जो विलेज आया इसका नाम है चिसुल, और ये पहला विलेज आता है टनल के बाद. इसके बाद और छोटे छोटे विलेज आए काफी. आप देख सकते हैं इसके ऊपर कैसे बर्फ जमी हुई है. और ये स्कूल है यहाँ. इन्फॉर्मेशन जो आपको लोगों की जरूरी है, जो ले जाते हैं जहाँ लद्दाख जाना चाहते हैं, ये लास्ट अभी पेट्रोल पंप आता है केलोंग में, और इससे आगे कोई पंप नहीं मिलता है. तो आप यहाँ से पेट्रोल डीजल अपना भरवा सकते हैं, कैंस है तो वो भी भरवा सकते हैं, कुछ भी है. तो ये लास्ट पेट्रोल पंप है यहाँ का, क्योंकि जब मैंने भी ले किया था, मेरी जिप्सी की सारी वीडियोज पड़ी है, तो मैं ले से चल के यहाँ पे आके तेल मिला था, मेरे को कहीं नहीं मिलता अदरवाइज. ये रिवर और है, ये और है, दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं. और इस जगह का नाम है सर, क्या नाम है इसका? है तांडी संगम है. चंद्र और भागा दो रिवर्स हैं, दोनों मिलते हैं, तांडी संगम बोलते हैं. ये आप देख सकते हो यहाँ पे इसका कितना अच्छा व्यू रहता है. और आपको एक बात और दिखाता हूँ, यहाँ पे इतना टेम्परेचर माइनस रहता है कि ये देख सकते हैं आप, नीचे गाड़ी का पानी जम चुका है. अभी मैं आप लोगों को ना केलोंग का व्यू दिखाता हूँ, केलोंग कैसा दिखता है. लेकिन इसका लाइक एवरी मंथ इसका कलर चेंज रहता है. समझ में आओगे तो ग्रीन रहता है, आप देख सकते हैं. जैसे कि मेरे को कई लोगों ने पूछा है कि वॉकी टॉकी इसका क्या, कैसे रहता है, इसकी परमिशन लेनी पड़ती है, लाइसेंस होता है. ये जो ब्रूट फोर्स के वॉकी टॉकीज हैं काफ़ी अच्छे हैं. इसका बैटरी बैकअप भी काफ़ी होता है, इसका चार्जेस भी होते हैं, गाड़ी में भी चार्ज कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं. और इसकी परमिशन की भी जरूरत नहीं है, लाइसेंस नहीं चाहिए. वैसे वॉकी टॉकीज का लाइसेंस चाहिए, ये इंडियन मेड है इसलिए इसका नहीं चाहिए. तो बाकी अगर किसी को भी कोई भी इसके रिलेटेड इंक्वायरीज है, तो आप ब्रूट फोर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं नीचे मैंशन कर रहा हूँ, तो उनसे आप बाय कर सकते हैं. और भी वो ऐसा कई कुछ बनाते हैं और काफ़ी अच्छे वर्क कर रहे हैं. और इसका जो रेडियस है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो लाइक 10 से 12 किलोमीटर भी होता है और ज़्यादा भी होता है. तो ये काफ़ी सेटअप में आपको मिल जाते हैं. एक्चुअल व्यू है भाई, मैं इसको एडिट नहीं कर रहा हूँ वीडियो को, इतना क्लियर वेदर और इतने अच्छे.
कोटा पहुंच चुके हैं, हमें छोटा सा टाउन है। भाई अभी जिसपानी रुक रहे हैं लंच के लिए, आगे जा रहे हैं दारचा, तो वापिस आते हुए लंच करेंगे। दारचा दिखाता हूँ, अच्छी जगह है काफी। भाई आप सामने बोर्ड देख सकते हैं, शिंकुला का लिखा हुआ है और ये रास्ता चला जाता है लेह को। और अभी हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ घूमेंगे, हम लोग दारचा से भी आगे आ चुके हैं। तो अभी यहाँ से मैं शिंकुला भी गया हुआ हूँ, जांच करवाए चले जाते हैं। अब व्लॉग देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर जाके। जैसे कि आप लोगों के मैसेज आ रहे थे, पूछ रहे थे अच्छे अच्छे कलर वाली जैकेट्स और कपड़े कहाँ से ले रहे हो, तो मैंने लिए कैप्शन से। और आप देख सकते हो भाई ने भी शॉपिंग किया रिसेंटली कैप्शन से, कैप्शन से लिए। तो भाई इसलिए आप कैप्शन जा सकते हैं, तो वहाँ पे हर एक ब्रांड अवेलेबल है, लाइक ऑलमोस्ट सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी वहाँ पे मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से जाके शॉपिंग कर सकते हैं। काफ़ी जगह पे उनकी शोरूम्स आउटलेट्स अवेलेबल हैं, मल्टी ब्रांड्स हैं उसमें, तो उसका मैं लिंक भी नीचे डाल सकता हूँ। और आप इंस्टाग्राम पर जाके उसको फॉलो भी कर लेना, क्योंकि वहाँ पे जो सेल्स लगती हैं कुछ भी लगता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। भाई अगर ऐसे एरियाज में आ रहे हो तो चॉकलेट्स मस्ट कैरी, क्योंकि यही एक साधन होता है खाने का। चॉकलेट भी नहीं टूट रही, लेकिन ये मेरे ही फेवरेट है, कई लोगों की नहीं है, तो डार्क चॉकलेट्स भी ला सकते हो। फर्स्ट टाइमर्स हैं, उनके लिए सेफ नहीं है। चलो चले भाई, कुछ लोग ऊपर गए हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं हम जाके लंच कर लें, तो क्योंकि घूमते रहते हैं, सेम व्यूज रहते हैं, कुछ स्पेशल नहीं ऊपर मिलने वाला देखने के लिए, इसलिए हम लोग वापस जा रहे हैं। तो वो लोग गए एंजॉय करने, तो अब हम चलते हैं और करते हैं लंच, क्योंकि टाइम हो चुका है, 3 बज चुके हैं। भाई यहाँ पे इन्होंने लंच का किया हुआ अरेंजमेंट, यहाँ पे लंच करेंगे। जिसपा पहुँच के ब्रेकफास्ट करने लगे हैं, तो ब्रेकफास्ट में है चावल, सब्जी और दाल। पक्के बंदे हैं ना, ऐसे कप रखते हैं गाड़ीज में और ये भरा देते हैं पूरा पूरा, देते भी नहीं है किसी को बाद में। नहीं नहीं, हम देते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जिंग भी है हमारी। अच्छा, रखा हुआ है इसमें क्या? चट्टी भरी चाय भी बनाते हैं, चट्टी फिट्टी ये ऑफिशियल्स है ना, आप देख सकते हो कौन बंदे हैं, तो इसलिए इनको पहले प्रिपेयर रहते हैं इन चीजों के लिए। जी जी, कैसा फिर आज का दिन? अमेजिंग। कल तो बहुत मंदा हाल था आपका जनाब, आज तो ठीक है। आज तो क्या बोल रहा है वो, लुक की बता रही है क्या ही ठीक है। ठीक है ना, ठीक है। खाना खाएंगे आप? हमने खा लिया भाई, पहले पहले क्या? नहीं नहीं, खा लिया खा लिया। देखो ऐसी जगह पे भी गर्मा गर्म खाना मिले तो और क्या। अभी दोस्तों फिर हम लोगों ने कर लिया लंच, तो टाइम हो चुका है 4, क्योंकि टाइम था 5 बजे तक का टनल के पास पहुंचने का, तो अभी वापस निकल रहे हैं। रोड वही सेम, वापस जाके मनाली रुकेंगे रात, तो फिलहाल कुछ रास्ते में वो दिखाने वाला तो जरूर दिखाऊंगा, अदरवाइज चल रहे हैं वापस मनाली को। भाई कभी कभी नुकसान भी हो जाता है यूट्यूबर्स का, उसका कैमरा खराब हो गया, दो दो कैमरा खराब, एक में धूल भर गई और दूसरे में स्नो, तो दोनों ही खत्म। बहुत बहुत आज फिर माड़ा दिन रहा ना तेरे लिए? तो नहीं, अच्छा रहा, मतलब ये तो चलता रहता है, इसका भी क्या ही करना है। ट्रैवल के साथ ये भी एक खर्चा है जो हमारी आइटनरी में ऐड होता है। मैं बोलने वाला था कि आप लोगों को वीडियो देखने को मिल जाती है, लगता है ये पता नहीं कितना एंजॉय करते हैं, ऐसा भी होता है। सारा का सारा कई बार कैमरा जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डाटा भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए कई इश्यूज रहते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग वापस आ चुके हैं अपने होटल्स में, तो एक छोटी सी पार्टी है यहाँ पे, तो वो अटेंड करेंगे, तो फिर ये इवेंट खत्म होने। ये था आज का दिन और सारा का सारा इवेंट आज खत्म हो गया, तो आप लोगों सबने इंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच आप सबकी सपोर्ट और लव के लिए। और जो लोग चैनल पे नए हैं इस बार आए,
तो वो चैनल जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि ऐसे इवेंट्स मैं कवर करता रहता हूँ। और जो इस इवेंट में मेरे को सब लोग मिले, बहुत अच्छा लगा सबको मिलके और नए फ्रेंड्स बने, बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच फॉर माउंटेन गोट फॉर स्पॉन्सरिंग दिस ट्रिप, जिन्होंने ये ट्रिप मेरे को इन्वाइट किया और मैं उनके साथ आया और बहुत अच्छा लगा और बहुत फ्रेंडली था। और नेक्स्ट टाइम उम्मीद करता हूँ कि और भी इनके साथ इवेंट्स ऐसे कवर करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। और किसी की कोई भी इंक्वायरीज हो, कुछ भी हो इस ट्रैवल रिलेटेड हिमाचल या किसी भी रिलेटेड, उनके इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब पर मैंने लिंक डाल दिया। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नया दिन नई सुबह लेके। और मैं बताना चाहता हूँ एक मेरा अलग चैनल है दयाकरण डेली, तो वहाँ पे मेरे को फॉलो करना, वहाँ पे डेली के ऐसे व्लॉग्स आते हैं। तो इस चैनल पे कुछ ऑफिशियल्स हों तो फिर ही रहते हैं, तो अब इस पे वीडियोस चलती रहेंगी वैसे, लेकिन जो कल कट वापस जाने का कुछ भी होगा तो मेरे दयाकरण डेली पे देखने को मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।